हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सिलोग्स का बेसिक कंसेप्ट विद सम एग्जांपल्स करेंगे। यानी कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैं आपको सम नोट के कुछ केसेस पढ़ाऊंगा, और उसके बाद थर्ड वीडियो में आइदर और फोर्थ में पॉसिबिलिटी, और फिफ्थ में डेफिनेटली नॉट ट्रू के केसेस। मतलब इन 5 वीडियोस में आप सिलोग्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। बेसिक से लेके हाई कंसेप्ट तक मैं इसमें पढ़ाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ कंसेप्ट सीखते हैं पहले, फिर उसके थ्रू हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, और फिर ऐसे इस पूरी सीरीज में हम पूरा सिलोग्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ वेन डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा। हमारे पास सिर्फ 4 वेन डायग्राम ऐसे होते हैं जिनसे हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। मतलब 4 वेन डायग्राम अगर आपने समझ लिए तो उसके बाद काम खत्म। तो आइए, सबसे पहला डायग्राम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला वेन डायग्राम हम बोलते हैं ऑल ए आर बी का, ऑल ए आर बी, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, हमें बोला है कि ऑल ए आर बी मतलब जो टोटल बी है, ये सपोज करिए ये जो मैंने सर्कल बनाया है ये पूरा बी का सर्कल है, उसके अंदर ही ए का पूरा सर्कल होना चाहिए। मतलब ए, ये रहा ए हमारा, ठीक है। तो ये हो गया ऑल ए आर बी। तो ये वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब हम सेकंड वेन डायग्राम पर चलते हैं, सेकंड वाला। अब देखिए, हमें बोला है सम ए आर बी, सम ए आर बी, ठीक है। अब मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ। अब देखिए, सम का मतलब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप कभी भी चेक करेंगे किसी भी क्वेश्चन में कि सम का मतलब क्या होता है, तो सम का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कॉमन, कि ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। मतलब अगर ए का सर्कल ये है तो बी का सर्कल ये होगा, और ये इन दोनों के बीच में कॉमन हो गया। मतलब हमें कॉमन ढूंढना है, ठीक है। तो हम हमेशा जब भी क्वेश्चन में सम ए आर बी बनाएंगे तो हमें इस तरीके से बनाना है उसको, ठीक है। मतलब बनाने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। पर अगर हमें बोल दिया कि इसको चेक करो, ठीक है, तो चेक करने के लिए हमारा ये वाला डायग्राम भी सही होगा। अगर मैं ए यहाँ पे लिख दूँ और उसके बाद मैं बी यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, तो अगर मैं चेक करूँ, हमें बोल दिया कि इसमें चेक करो सम ए आर बी सही है या गलत है, इस डायग्राम में चेक करना है। तो आप देखिए, ए के अंदर बी है, मतलब कॉमन तो है ना, भले ही वो पूरा अंदर है पर वो कॉमन है। अगर ये कॉमन है इसके अंदर, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम चेक करने के लिए, फॉर चेकिंग, चेकिंग के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड डायग्राम के पास, ठीक है। तो थर्ड डायग्राम हमारा ये हो गया। अब थर्ड डायग्राम में नो ए इज बी बोल दिया, नो ए इज बी, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें नो ए इज बी बोल दिया तो मतलब ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी कॉमन या फिर कुछ भी रिलेशन नहीं होना चाहिए ए और बी के बीच में। तो मतलब ए का अगर ये सर्कल है तो बी का सर्कल ये हो जाएगा, पर हम इसको ऐसे डिनोट नहीं करेंगे, हमें इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, इस तरीके से दिखाना है। तो हम इसमें ये लाइन लगाकर यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा देंगे, उससे हमें क्या पता लगेगा कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। पर अगर हमें कंक्लूजन बोल दिया, कि कंक्लूजन में हमें दे दिया कि नो ए इज बी, और सपोज करिए आपको ऐसे बोल दिया 1, 2, 3 और 4, ये बॉक्सेस ऐसे दे दिए, ये यहाँ पे कॉमन कर दिए हर एक बॉक्स, ठीक है। अब देखिए, अब अगर बोल दिया कि ए ये है, सी है, बी ये, डी है और बी ये है, ठीक है। अब हमें हमसे पूछा है कि नो ए इज बी, क्या ये यहाँ पे भी सही होगा, ठीक है। तो नो ए इज बी यहाँ पे सही नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ए और बी के बीच में यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें ए और बी के बीच में कोई एक लाइन और उसके साथ नो रिलेशन नहीं दिख रहा। मतलब क्या पता इसमें रिलेशन हो, ये वाला जो पार्ट इसके साथ कॉमन है वही पार्ट इसके साथ कॉमन हो जाए और वही पार्ट इसके साथ कॉमन हो जाए, तो हम कैसे बोल देंगे कि नो ए इज बी। तो हमेशा अगर नो ए इज बी चेक करना है तो हमेशा उनके बीच में एक लाइन और क्रॉस का साइन होना चाहिए, तभी हम उसको उस कंक्लूजन को सही बताएंगे कि नो ए इज बी होगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट वाले फोर्थ वाले वेन डायग्राम की साइड चलते हैं, फोर्थ वेन डायग्राम को देख लेते हैं। इसमें हमें बोला है सम ए आर नॉट बी, यानी कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए, अगर मैं ए का सर्कल ये बना दूं, ठीक है, और बी का सर्कल ये बना दूं, ठीक है। अब देखिए, हमें बोला है कि सम ए आर नॉट बी, ठीक है।
यानी कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ले लीजिए ए का, मतलब ये वाला, और इसका रिलेशन बी के साथ क्रॉस कर दीजिए, मतलब ये वाले जो ए हैं ये कभी भी बी नहीं होंगे। तो आप इस तरीके के वेन डायग्राम, मतलब इस वाले उसको जो स्टेटमेंट होगा उसको ऐसे वेन डायग्राम के में बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर हमें कहीं पे बोला गया है कि ऑल नोट, ऑल नोट का मतलब भी नो ही होता है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, ऑल नोट भी नो ही होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले अगर हमें कहीं पे टर्म दे दी एनी, ईच और एवरी, तो इनका सबका मतलब एक ही होता है, मतलब ऑल आर सेम, ठीक है। एनी, ईच, एवरी, कोई डिफरेंस नहीं है, सारी चीज़ एक है। ओनली बी इज ए का मतलब होता है ऑल ए आर बी, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हमसे क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं और हमें इनका नहीं पता होता, तो इसलिए आप कभी भी इन चीज़ में नहीं बिचलिएगा। अब देखिए एटलीस्ट, एटलीस्ट सम, ऑलमोस्ट, जनरली, मोस्टली, ये सारे वर्ड्स एक ही चीज़ को शो करते हैं, मतलब ये सारे सेम वर्ड्स हैं, ठीक है। इन्हें अलग अलग क्वेश्चन में एग्जामिनर बच्चों को के वो कन्फ्यूज हो जाए, इसलिए ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए नो वन, नन, नॉट सिंगल, ठीक है, ये सारे वर्ड नो का ही, नो का, नो ही इनका मतलब हो जाएगा, ये सारे वर्ड एक ही तरीके के हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है और ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है, तो हमें पहले इनका वेन डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद चेक करना है। अब अगर कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बिना वेन डायग्राम बनाए हम इन क्वेश्चन को कर लेंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। वो हो तो जाते हैं, जल्दी भी हो जाएंगे कुछ क्वेश्चन, पर उसमें हमेशा क्या होगा, उसमें आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी, मोस्टली क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, तो आप इसलिए हमेशा वेन डायग्राम बनाइए। अब देखिए सम क्यूट आर फॉल, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसको सी से डिनोट कर दीजिए क्यूट को, और सम क्यूट आर फॉल यानी कि ये वाले जो क्यूट है ये फॉल हो गए, ठीक है। सम फॉल आर रबीस, अब ये कुछ फॉल है ये रबिस हो जाएंगे, मतलब ये आर, जैसे मैंने वेन डायग्राम आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए ऑल रबिस आर मैन, ठीक है, यानी कि ऑल रबिस यानी कि टोटल रबिस इसके अंदर आ जाएंगे और ये मैन हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा वेन डायग्राम बन गया इसका। अब देखिए फर्स्ट वाला कंक्लूजन हम चेक करते हैं, सम मैन आर फॉल, ठीक है, सम मैन आर फॉल यानी कि जो मैन का हिस्सा है वो ये भी है और ये फॉल के अंदर आ रहा है, तो मैंने आपको बोला था कि सम का मतलब कॉमन, आप कॉमन देख लीजिए मैन में और फॉल में, फॉल ये रहा और मैन ये रहा, तो इसमें ये पार्ट कॉमन हो गया, तो अगर कॉमन है तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला चेक करते हैं, सम क्यूट आर मैन, ये क्यूट हो गया और ये मैन हो गया, तो आप देखिए क्यूट यहाँ पर है और मैन यहाँ पर है, क्या आपको कहीं पे इसमें कॉमन दिख रहा है, क्यूट वाले सर्कल में और मैन वाले सर्कल में कहीं पे भी आपको कॉमन दिख रहा है, आपको कहीं कॉमन नहीं दिख रहा, तो यानी कि ये वाला जो हमारा कंक्लूजन होगा ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओनली वन फॉलोज, आपने देखा होगा वहाँ पर लिखा आता है ना, तो ओनली वन फॉलोज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की साइड चलते हैं। अब देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, इस एग्जाम्पल को करते हैं। अब देखिए इसमें भी हम वेन डायग्राम ही बनाएंगे, ऑल लाइट्स आर वुड, ठीक है, ऑल लाइट्स मतलब लाइट ये हो गई और वुड, वुड ये हो गया, मतलब ऑल लाइट्स आर वुड, सारी लाइट वुड है, ठीक है, यानी कि वुड के अंदर सारी लाइट आ गई। अब देखिए सम पेपर्स आर वुड, ठीक है, तो सम पेपर्स आर वुड, कुछ पेपर ऐसे हैं जो वुड है, यानी कि पेपर यहाँ पे लिख दीजिए सम पेपर्स आर वुड। ऑल पेपर्स आर बोरिंग, सारे पेपर बोरिंग है, मतलब टोटल जो पेपर है वो बोरिंग वाले बॉक्स के अंदर, बोरिंग वाले सर्कल के अंदर ले लीजिए, ये बोरिंग का सर्कल हो गया और ये पेपर का सर्कल हो गया, ये पूरा अंदर आ गया। अब देखिए ये बन गया इसका वेन डायग्राम। अब हम करते हैं इसके कंक्लूजन को चेक करते हैं, सम बोरिंग आर वुड्स, सम बोरिंग आर वुड्स, अब बोरिंग और वुड्स में ये कॉमन हो गया इतना पार्ट, तो अगर कॉमन हो गया तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब हम सेकंड वाला कंक्लूजन चेक करते हैं, सम वुड्स आर लाइट, सम वुड्स आर लाइट। अब देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बोला है पहले ही कि सम के लिए हम हमेशा कॉमन चेक करेंगे, चाहे वो कॉमन किसी भी तरीके से आया हो, ठीक है, चाहे वो उसके पूरा अंदर हो या फिर थोड़ा हाफ अंदर हो, तो हमें कॉमन चेक करना है। अब देखिए सम, सम में हम चेक करेंगे, अब देखिए जो लाइट है वो वुड्स के साथ कॉमन है, क्योंकि वुड्स के अंदर है तो कॉमन तो हो गई ना, तो अगर कॉमन हो गई तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा, सम वुड्स आर लाइट, हमसे सम पूछा है, ठीक है, तो इसलिए राइट हो जाएगा क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में कॉमन मिल गया, तो कॉमन मिल गया तो ये राइट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की साइड। ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है, ऑल रिवर्स आर हिल, ठीक है, ऑल रिवर मतलब अगर मैं ये रिवर बना दूं, ठीक है, रिवर आर हिल्स,
ऑल रिवर आर हिल्स, मतलब हिल्स के अंदर पूरे रिवर आ गए, ठीक है। ऑल हिल्स आर रॉक, जो जितनी भी हिल्स हैं वो सारी किसके अंदर आ जाएगी, वो रॉक के अंदर आ जाएगी। ये रॉक, ये आर आई और आर ओ इस तरीके से लिख दीजिए कि आपको रॉक और रिवर में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों का ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए, सम रॉक आर स्टिक, सम रॉक मतलब ये रॉक है और ये स्टिक हो गई, यहाँ पे स्टिक लिख दीजिए। स्टिक को हम ऐसे डिनोट कर देंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि मैंने सम रॉक आर स्टिक में यहाँ पे भी लिख सकता था, मतलब ये ऐसे भी बना सकता था मैं, ठीक है, यहाँ पे, पर मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बनाया। इसका रीजन ये है, आपको जब भी वेन डायग्राम बनाना है आपको मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है, मतलब मिनिमम ओवरलैपिंग का कंसेप्ट लगाना है, ठीक है, मिनिमम ओवरलैप। तो आप देखिए, मुझे बोला है सम रॉक आर स्टिक, सम रॉक आर स्टिक, मैंने इन दोनों में कॉमन करने के लिए मिनिमम ओवरलैपिंग कराई, पर अगर मैं यहाँ पे ओवरलैपिंग करा देता तो इसमें सम रॉक के साथ हिल भी आ जाती और रिवर भी आ जाता, ठीक है, तो ये दोनों भी इसके साथ आ जाते। पर हमें बोला है कि सम रॉक आर स्टिक, मतलब रॉक और स्टिक को कॉमन करना है बस। तो आप ध्यान रखिए कि मिनिमम ओवरलैपिंग के थ्रू हम कैसे वेन डायग्राम बना सकते हैं। तो मिनिमम ओवरलैपिंग का कंसेप्ट हमेशा याद रखना है आपको, जैसे मैंने किया, यहाँ पे गोला नहीं बना के यहाँ पे आपको बनाना है, ठीक है। अब देखिए, सम स्टिक्स आर हिल, सम स्टिक्स आर हिल, अब स्टिक्स और हिल में कुछ भी कॉमन नहीं है, हिल का सर्कल ये हो गया और स्टिक का सर्कल ये हो गया, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप देखिए, अगर आप इस वाली चीज को यहाँ पे बना देते तो आपके पास ये वाला सही हो जाता, सम स्टिक आर हिल, पर ये आपका फिर क्वेश्चन गलत हो जाता। तो आपको मिनिमम ओवरलैपिंग का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए आगे, सम स्टिक्स आर रिवर, सम स्टिक्स आर रिवर, क्या स्टिक का रिवर के साथ रिवर का सर्कल ये है, इतना इसके साथ इसका कोई रिलेशन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। हमेशा सम को देखने के लिए आप कॉमन देख लीजिए कि इसमें कॉमन है क्या कहीं, ठीक है, तो इसमें कॉमन नहीं है तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाला चेक करते हैं, सम रॉक आर रिवर, सम रॉक आर रिवर, अब देखिए ये रॉक का पूरा सर्कल ये हो गया, ठीक है, और रिवर का सर्कल ये हो गया। मैंने आपको बोला है कि आप कॉमन देखिए, अब रॉक और रिवर में आप कॉमन देख लीजिए, रॉक ये रॉक का सर्कल इतना और रिवर का सर्कल ये इसके अंदर इतना, तो ये वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन हो गए ना, मतलब रॉक भी और रिवर भी इस पार्ट में दोनों एक साथ आ गए, ये दोनों कॉमन हो गए। तो अगर कॉमन हो गए तो ये वाला पार्ट हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ओनली थर्ड फॉलोज, ओनली थर्ड फॉलोज। तो फ्रेंड्स, ये वाला लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले में मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट, मतलब जैसे मैंने बताया 5 लेक्चर में हमें ये कंप्लीट करना है बेसिक से हाई लेवल। तो आज के लिए इतना ही, ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको करा करके दिखाए हैं, आप इसी तरीके से, मतलब ऐसी वेन डायग्राम बनाकर इनको करके देखिए और एक बार कुछ एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से करिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज़।